एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ व्लॉग। अभी मतलब अभी बज रहे हैं शाम के 6 बज रहे हैं एंड मैंने अभी स्टार्ट किया है व्लॉग। तो बहुत अच्छा वेदर हो रहा है आज मुंबई का, काफ़ी प्लेजेंट हो जाता है यहाँ पर शाम को, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती है। और हम लोगों ने यहाँ पर, अभी मैं अपने बेडरूम में खड़ी हुई हूँ और पूरा तो बेडरूम मैं नहीं दिखा रही हूँ बिकॉज कुछ हुआ ही नहीं है, जैसा बेसिक सेटअप है वैसे ही है। बट काफ़ी जल्दी मैं सिर्फ अभी भी मैं वेट कर रही हूँ, वही जो जिस बंदी से मेरी बात चल रही है वो मुझे कुछ भेजने वाली है। तो उसका कुछ घर में प्रॉब्लम हो गई थी, मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी तो उसकी वजह से वो थोड़ा डिले हो गया है। तो मैं आपको बाहर से व्यू दिखाती हूँ। तो ये हमारे बेडरूम का बालकनी है एंड हम लोगों ने यहाँ पर इस तरीके से पूरा नेट लगा दिया है। सो दिस इज़ बेसिकली मॉस्किटो नेट, तो इससे ना तो मॉस्किटो, कीड़े मकोड़े कुछ भी नहीं आएंगे। एंड साथ में जो पिजन्स आते हैं, बहुत पिजन्स आते हैं, बापरे हम तो उतना ऊपर रहते हैं तो यहाँ पिजन नहीं बैठे रहते हैं, तो उन सबसे भी छुटकारा मिल गया है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से व्यू भी काफ़ी अच्छा दिखता है। कैमरे में आई डोंट नो कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो जो आपको पीछे दिख रहा है ना, वो वहाँ पर माउंटेन्स हैं एंड ऐसे एकदम सामने हमारी कोई भी बिल्डिंग नहीं है कि वो एयर को ब्लॉक करे। तो यस, ये है व्यू एंड यहाँ पर ये दिख रहा है, ये लेक है और वहाँ पीछे सी है, क्रीक एरिया है। मतलब जो वो वाली बिल्डिंग में जो रहता होगा ना, उसको उस तरफ पूरा क्रीक एरिया दिखता होगा, बहुत सही व्यू दिखता होगा उनको सुबह सुबह। सो यस, एंड यहाँ सामने से डेली सनराइज होता है। एंड ये विक्की का रूम है, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने यही इस तरह की मॉस्किटो नेट लगा दी है। तो इससे क्या है ना, अब ये विंडो खोल करके रख दो तो ऐसा कोई टेंशन नहीं रहता है कि मुझे छिपकली हो गया। इन सब से मुझे बहुत डर लगता है, डर नहीं लगता है पर मुझे बहुत घिन आती है छिपकली से। मतलब छिपकली तो होनी नहीं रही, या तो उस घर में छिपकली हो सकती है या मैं हो सकती हूँ। तो इसलिए मैंने डर की वजह से इन सब जगहों पर ये सारी चीज़ें लगवाई है। सिर्फ हॉल में नहीं है, तो हॉल में इतना ज़रूरत भी नहीं है। मतलब हॉल इज़ लाइक, हम लोग हमारा हॉल का अगर ये वाला जो मेन डोर है ना, ये ओपन कर लेते हैं, जिसको मैं अभी ओपन कर ही दूंगी, इससे काफ़ी अच्छी हवा आ जाती है। हाँ, तो इसको मैंने, क्योंकि ये बहुत बड़ा है और थोड़ी प्राइवेसी इश्यूज़ के लिए मैंने यहाँ पर ये लगा करके रखा है, बट मैं कोई पुराना कर्टन जो है ना, उसको इस तरीके के इसमें कट करूँगी और उसमें सिलाई लगाऊंगी और उसको यहाँ का एक कर्टन बना दूंगी। सो दैट मैं मोस्ट, हम लोग क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाला जो डोर है ना, सेफ्टी डोर, या हम उसको ओपन ही रखते हैं, अच्छा लगता है, थोड़ा खुला खुला लगता है, तो उसके लिए थोड़ा प्राइवेसी, कोई भी ऐसे झांक वाँक ना ले अंदर, इसलिए। एंड हमारी बालकनी एज इट इज़, काफ़ी सारे जो प्लांट्स हैं उसका अपडेट देती हूँ। ये हमारी तुलसी जी हैं, टच वुड, जो कि बहुत अच्छा कर रही हैं। तो इनका जो पौधा है, ये इनका जो ये प्लांटर है, ये चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद ये मेरा जीजी प्लांट है जिसको मैंने लगाया था आधा कट करके इसमें, तो ये भी ठीक ठाक ग्रो कर रहा है। ये अपराजिता, दिस इज़ अपराजिता। एंड ये वही बारामासी, ये है कुछ तो भी है, ये ऑफिस टाइम है आई गेस। एंड ये इंडोर प्लांट है, ये भी पता नहीं क्या नाम है इसका। देन ये है, इसका भी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। उसके बाद ये मनी प्लांट लगा हुआ है, लगाया ये रात रानी है, बट इसमें अभी तक कोई भी फूल नहीं आया है। व्यू यहाँ से, यहाँ पर मेरी सामने वाली बिल्डिंग में किसी का तो भी बालकनी है। एंड अभी तो मुझे नहीं पता आप कैमरे की नज़र से इतने अच्छे से दिख रही है कि नहीं दिख रही है। मतलब उस बालकनी को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि इनका जो घर है ना, वो बहुत क्रिएटिवली डन किया होगा। मतलब होता है ना, घर को देख करके समझ में आ जाता है, बाहर का जो एंट्रेंस होता है उसको देख के समझ में आ जाता है इनका घर कैसा होगा। तो उनके घर को देखने का मेरा बहुत मन करता है कि इनका बाहर इतना सुंदर है। उन लोगों ने बकायदा टायर्स के स्टूल बनाए हुए हैं, बहुत सुंदर ग्रीनरी है और बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका घर लिटरली बहुत सुंदर होगा और देखने का मन करता है कि अंदर क्या किया होगा वैसा। यस, आज तो शाम को आवाज़ नहीं आ रही है यहाँ पर खटर पटर की, अदरवाइज ओ माय गॉड, ये कंस्ट्रक्शन हमारे आने के बाद चालू हुआ है। ये सामने दिख रहा है आपको कंस्ट्रक्शन, ये हमारे बाद चालू हुआ है, इतनी आवाज़ आती है यहाँ से। तो अभी थोड़ा शाम को शांति है, सुबह 8:30 से चालू कर देते हैं वो। ऑल्दो ये विंडोज़ वगैरह हम बंद कर लेते हैं पूरी तरह से तो इतना डिस्टर्बेंस नहीं आता है, बट फिर भी तो आवाज़ आती ही आती है। तो अभी इवनिंग ब्रेकफास्ट हो रहा है मेरा, इवनिंग स्नैक्स, सॉरी, तो अभी मेरा इवनिंग स्नैक्स हो रहा है और विक्की का तो डिनर हो रहा है, डिनर ही हो रहा है। हाँ, मतलब कितना बजे है, 6:30 तो हो गया, मतलब हम 7:30 तक तो वैसे भी कर ही लेते हैं। तो विक्की बोल रहा है मैं थोड़ा जल्दी कर लेता हूँ, मेरे को अगर भूख लगी इसके बाद तो मैं कर लूंगी, अदरवाइज ये जो टुकड़े वाला मेरा है क्या सब्जी बनाई थी मैंने आज। मेरी एक और सब्सक्राइबर से बात हो रही थी, तो वो जस्ट हमारी जो बिल्डिंग है उसकी बगल वाली बिल्डिंग में ही रहती हैं, और एक सब्सक्राइबर हमारी बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग में रहती है।
और एक सब्सक्राइबर, तो मैं एक बहुत फनी इंसिडेंस बताती हूँ, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैं आपको फॉलो करती हूँ और आप इस मेरी जिस बिल्डिंग में मैं रहती हूँ ना, उसका नाम लिया पर्टिकुलरली, मतलब बड़ी सोसाइटी है और उसमें सपोज तीन बिल्डिंग्स है, उसका एक नाम है, फिर तीन बिल्डिंग यहाँ है उसका अलग नाम है, चार बिल्डिंग यहाँ उसका अलग नाम है, तो ऐसे नाम है अलग अलग है। तो उन्होंने मुझे नाम बताया मेरे जिस बिल्डिंग में मैं रहती हूँ कि आप इसमें आई हो, तो मैंने बोला हाँ मैं यहीं पर रहती हूँ, तो उन्होंने बोला वो भी वहीं रहती है। मैंने कहा अरे वाह बहुत अच्छी बात है। तो मैंने उनसे पूछा आप कौन सी बिल्डिंग में रहते हो, कौन से विंग में रहते हो, मतलब 1, 2, 3 में किस में रहते हो। वो बोलती मैं इसमें रहती हूँ। तो मैंने कहा अरे मैं भी उसी में रहती हूँ। तो वो बोलती कहीं आप मेरे फ्लोर में तो नहीं आया। तो मैंने उनसे पूछा आप कौन से फ्लोर में रहती हूँ। कोइंसिडेंटली मैं जस्ट उनके ऊपर वाले फ्लोर में आई हूँ, मतलब वो रहती है मेरे से एक फ्लोर नीचे। एंड बाय द वे हम लोग ये व्हीट ब्रेड लेकर के आते हैं, काफी हेल्दी होती है ये, तो इसमें स्टफिंग क्या है, जो हमने आज सुबह सब्जी बनाई थी वही स्टफिंग करके खा रहे हैं। ऑल्सो अभी मेरे को आज एक और PR प्रोडक्ट आया है जिसका नाम है दिस फ्रॉम द ब्रांड अगारो। सो दिस इज़ अ गारमेंट स्टीमर। तो बहुत टाइम से हम लोग ना, लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि गारमेंट स्टीमर देखने के लिए हम लोग गए थे और हमने देखा भी था फिलिप्स का, बट वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, लिटरली बहुत एक्सपेंसिव था, और तब तो घर भी छोड़ा था। तो एक स्टीमर ऐसा आता है जो पूरा स्टैंड के साथ होता है, तो उसको तो एक डेडिकेटेड जगह चाहिए रखने के लिए, और वो आई थिंक 5,000 कुछ बता रहा था हमको, और दूसरा जो स्टीमर था वो 3,000 कुछ का था। तो हमको दोनों ही काफी एक्सपेंसिव लगे। हमको लगा रहन दो यार, ये जो नॉर्मल वाली मैनुअल वाली जो हमारी आयन है वो उसी से ही फिर हम लोग काम चला लेते थे। तो अभी मुझे PR प्रोडक्ट में ये बहुत ही अच्छी चीज आई है जो एक्चुअली में मेरे बहुत काम की है। हैंड हेल्ड गारमेंट स्टीमर है ये। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। पीछे आपको दिख ही रहा होगा बहुत अच्छा व्यू हो गया है। शाम हो गई है, अभी 7 बजे हैं, बट फिर भी पूरी तरह से अंधेरा नहीं हुआ है। इसको हम ओपन करते हैं पहले। तो सो दिस इज़ द इंस्ट्रक्शन मैनुअल कि इसको कैसे यूज करना है, ठीक है। सो दिस इज़ द प्रोडक्ट एंड अब हम इसको ओपन करते हैं। ये इसका हेड है, तो काफ़ी सिंपल सा अटैचमेंट है, यहाँ से आपको पानी भरना है एंड ये इसका हेड है। इसको टेस्ट भी कर लेते हैं कि ये कैसा वर्क करता है। ये प्लक में मैंने इसको लगा दिया है, 60 सेकेंड्स इसको 60 सेकेंड्स में ये ऑन हो जाता है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है, और यहाँ से ये स्विच ऑन किया है मैंने, क्योंकि विक्की के टी शर्ट्स फुल ऑफ क्रीजेस होते हैं। तो उसके लिए तो ये कितने अच्छे तरीके से इसने वाकई में क्रीजेस सारे हटा, बेस्ट चीज है, बेस्ट। ना लेजी पने में ये आयन नहीं करता, आयन करता भी तो घुमाता और खत्म कर देता, मैं चिल्लाती हूँ कि ये क्या है। तो विक्की के लिए तो ये बेस्ट है। ये नीचे के क्रीज भी हटा दिए, पूरे हटा दिए, और इनसे ना कपड़े जलने का डर नहीं है। हम लोग प्लान कर रहे थे, याद है हम रिलायंस गए थे ये देखने के लिए, बट वो बहुत एक्सपेंसिव था, 5,000 का था, और बल्की भी बहुत था। तो हम लोगों का ये हो रहा था कि यार इतना बल्की रखेंगे का, आराम से ट्रैवल कर सकते हैं ले करके। अमेजिंग अमेजिंग, मैं इतनी खुश हो रही हूँ कि मेरे वालों, थैंक यू सो मच। दिस इज अ वेरी यूजफुल प्रोडक्ट फॉर पीपल लाइक मी, जो काफी लेजी टाइप के लोग हैं कि भैया कौन करे। तो मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। काफी अफोर्डेबल है ये, अमेज़न पे सेल चलती रहती है, तो उस पर ये और भी ज्यादा अफोर्डेबल हो जाएगा। सो आई रियली लाइक इट, हाईली रिकमेंडेड। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लेना। और अभी मैं जाती हूँ किचन में। हमारी जो बैल्कनी है, यहाँ से इस तरह की स्मेल आ रही थी कि हमको लिटरली ये लग गया था कि चूहा मर गया है ना। हमको लगा कि चूहा कहीं पे मर गया है, या तो फिर पिजन, जैसे हम लोगों ने ये लगाई है नेट लगाई है, तो हमने यहाँ पर भी लगा दी, तीनों जगह पे लगाई है एक्सेप्ट हॉल, तो तीनों बैल्कनीज में हमने नेट लगा दी। तो हमको लगा या तो किसी पिजन का बच्चा ऊपर है कि मर गया है, या फिर पिजन मर गया, मतलब इतनी गंदी स्मेल कि मैं आपको बता नहीं, एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ऐसा लग रहा था कि कोई मर के सड़ भी गया है, ठीक है। तो मैं देखने लग गई इधर उधर, मेरे को लगा यार हो सकता है कि चूहा मर गया हो और उसकी स्मेल आ रही हो, या वो ऊपर आना चाह रहा हो और वो फंस गया हो कहीं पे, वो मर गया हो, ऐसे करके हम अलग अलग अपने प्रोबेबिलिटीज एंड सब लगा रहे थे, साइंस पूरा। एंड देन फिर मैं विक्की को बोलती हूँ, मैंने कहा ठीक है अपन आज वेट करते हैं, मतलब मेरे दिमाग में आप सोचो, मैं जब सावधान इंडिया देखती थी, मैं पहले बहुत सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल और इस तरह की चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा देखती थी, तो मेरे दिमाग में ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो चीज़ें फिट तो हैं। तो मैं विक्की को बोल रही थी, मैंने कहा अपन देखते हैं, एक दिन वेट करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने किसी को मार करके बोरी में बंद कर दिया, उसकी स्मेल आ रही है, अगर कल भी कंटिन्यूस ऐसी स्मेल आएगी तो हम लोग फिर कंप्लेन करेंगे। और फिर सुबह वो ऑटोमेटिकली नहीं आ रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं थोड़ी देर पहले ना कुकिंग कर रही थी, तो मैं कुकिंग करते टाइम ये वाली विंडो ओपन कर लेती हूँ, अच्छी हवा आती है अब तो वैसा, और फिर रात में आने लग गई बहुत तेज़ी से स्मेल। तो ना मैं यही बोल रही थी कि मैंने कहा अपन वेट करते एक दिन, अगर आएगी कंटिन्यूस आएगी तो फिर हम लोग कंप्लेन करेंगे। पर देन नेक्स्ट डे नहीं आ रही, तो भगवान जाने कोई क्या कुक कर रहा था, लिटरली ऐसा मुझे लग रहा था कि
किसी ने किसी को मार दिया है और वो सड़ गया है. मतलब विकी इट्स नॉन वेज बट उसने मुझे बताया एक नाम पर्टिकुलरली लॉबस्टर. जरूरी थोड़ा है कि वो लॉबस्टर है. जरूरी नहीं है लेकिन इतनी गंदी मैंने आज तक कभी जीवन में लॉबस्टर नहीं खाया है. And don't talk about this thing because there are so many people जो vegetarian हैं including me, तो मैं ये सब नहीं सुनना चाहती हूँ. मैं करने में भी मैडम को चैन नहीं था. मैं बार बार जा रही थी, बार बार जा जा करके देख रही थी, फिर बोलती कि मसाले की भी बस. नहीं क्या हुआ, विक्की बोलता है कि मेरे रूम पे भी आने लग गई है. तो मैंने कहा यार ऐसे, फिर मैंने विक्की के रूम में जाकर के देखा 10 मिनट के बाद, तो मैंने कहा ये उस गंदी स्मेल के साथ मसालों की स्मेल भी आ रही है. तो फिर हमको समझ में आ गया नहीं किसी का मटर वटर नहीं हुआ है, यहाँ पे कुकिंग हो रही है. तो फिर बस यही था. तो बस यहाँ पर ये जो बर्तन है इनको फटाफट से ऑर्गेनाइज करते हैं. तो मेरी जो बर्तन क्लीनिंग वाली आती हैं वो गैस भी क्लीन करके जाती हैं. मुझसे काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि आप ग्लास टॉप गैस क्यों नहीं ले रहे हो. ग्लास टॉप गैस लेने को मैं आज ही ले लूँ तो पहली बात तो उसको चेंज करने का कोई सेंस नहीं बनता है. ये इतनी रफ एंड टफ है, मेरी मम्मी के पास ग्लास टॉप वाली है. लिटरली आप उसको ये सारी चीज़ें निकाल करके वॉश नहीं कर सकते हो, उसको आपको बहुत हैंडल विद केयर तो करना पड़ता है. ये इतनी रफ टफ है, इसको घिस करके मांज देती हूँ मैं, सब क्लीन कर देती हूँ. और जब ये ख़राब हो जाएगी तो एक बात सेंस भी समझ में आता है कि मैं नया ले लूं. मतलब नए घर में आए हो तो डजंट मीन कि आप हर चीज नई खरीदो और फालतू में पैसे वेस्ट करो. तो ये तो बहुत अच्छी चल रही है और मुझे ये बहुत पसंद है, बहुत रफ एंड टफ चल रही है. तो इसको भी चेंज करने का कोई सेंस नहीं बनता है और ये बहुत अच्छी है. मतलब ऐसे एकदम पुराने टाइप की नहीं है, ये बिल्कुल जैसे ग्लास टॉप चलती है उसी तरीके की है, बस इसमें स्टील है. तो मुझे तो पसंद है वैसे भी स्टील यूज करना, तो मैं तो अभी यही कंटिन्यू करूंगी अंटिल और अनलेस ये खराब नहीं हो जाती है. ये जो है ये वाला जो कढ़ाई है ये दिस इज बाय द ब्रांड एल्डा का है. एंड लिटरली ये कढ़ाई मैंने आज पूरा जला दिया था पूरा. मतलब मैं इसके ऊपर रख करके भूल गई थी और मैं अपनी एडिटिंग करने लग गई थी. सो ये लिटरली पूरा जल गया था. एंड लुक एट दिस, ये एकदम क्लीन हो गया है. किचन है वो पूरी तरह से क्लीन हो चुका है एंड मैं अब किचन से फ्री हो चुकी हूँ. ये मैंने यहाँ पर स्टूल इसलिए रख दिया है ताकि बैठ करके पानी पिया जाए वहीं की वहीं. लाइट बंद कर देती हूँ और बाहर की लाइट चालू कर देती हूँ वहाँ की. तो अब मैं जा रही हूँ नीचे वॉक करने के लिए. तो मेरी जो फ्रेंड है वो रहती है यहाँ पे, तो अभी हम लोग नीचे वॉक करेंगे. सो या लेट्स गो. हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग. तो अभी सुबह सुबह की धूप ले रही हूँ मैं. तो आज हम लोग चाय बनाने वाले हैं. रीज़न उसका ये है कि हमारे जो नए कप आए ना उसको हमने अभी तक यूज़ ही नहीं किया है, तो उसको यूज़ करने के लिए आज चाय बनेगी. धूप ये देखिए, यहाँ जब धूप आ रही है किचन से. तो आज कुकिंग में बन रही है ये है पालक. पालक बन रहा है और मैंने अनियंस चॉप करे हैं. तो आज मैं ग्रेवी वाला नहीं बना रही हूँ, मतलब टमाटो के साथ. मैंने आज कुणाल कपूर की रेसिपी देखी है. तो यूजुअली हम लोग कैसा बनाते हैं ना, वही जो चला आ रहा है ट्रेडिशनल ग्रेवी बनाया फटाफट, उसको सबको मिक्स किया, पेस्ट बनाया और डाल दिया. ऐसे पालक बनाते थे ना, पालक पनीर बनाते थे. बट उनकी रेसिपी में टमाटोज उन्होंने ऐड नहीं किया है. सो आई एम गोइंग टू मेक इन दैट वे, सिर्फ अनियंस के साथ. आज देखते हैं ऐसा टेस्ट करके कि कैसी बनी है. फटाफट से चपाती बनाना स्टार्ट करूंगी क्योंकि अभी टाइम हो गया है 9:46 एंड 10:30 तक हमारे यहाँ
जो हमारी हेल्पर है वो आती है, तो सब्जी तो चलो ठीक है एक ही अकेली कढ़ाई यूज होगी उसमें, तो ताकि ना सारे बर्तन वर्तन सब क्लीन हो जाए, और वो एक ही बार आती है, तो मैं चाहती हूँ कि जब तक वो आए तब तक मेरा सारा काम हो जाए और मैं फ्री हो जाऊँ किचन से। तो अभी 30 मिनट्स हैं, 30 मिनट्स में सी एक टाइम था जब मैं 3 घंटे तक खाना बनाती थी, और आज 30-40 मिनट्स में मेरा समटाइम्स खाना पूरा बन जाता है फटाफट से। है हम लोगों का आज का लंच, तो ये मैंने वो जो नए स्टाइल से पालक पनीर बनाई है ये वो है, तो आप चख के मुझे बताना। मेरी बीवी खाना बनाया और उसमें तो खुशबू ना आया, सब पॉसिबल है क्या? कितना बढ़िया खुशबू आ रहा है, मजा आ रहा है। वाह, नहीं है खाना में बताओ आप कौन सी चीज़ ऐसी जो अच्छी नहीं बनाती? हर एक चीज़ अच्छी बनाती है मेरी बीवी, मतलब पनीर ले लो, छोले ले लो आप, भिंडी फिर और क्या, और हाँ मतलब ये सब्जियाँ, रोटी, बेहतरीन रोटी बनती है इनकी, बिल्कुल फूली हुई, हमारी एक बार कई बार कच्ची वच्ची बन जाती है इनकी, तो हमेशा फूली हुई रोटी, जबकि मुझे सबसे ज्यादा ना पसंद है रोटियाँ बनाना। तो लड़कियाँ पूछती हैं कि ऐसा क्या बना, ऐसा क्या करती हो आप रोटी में कि रोटी क्या एक्स्ट्रा एड ऑन मिलाती हो, क्या एक्स्ट्रा? मैं बताता हूँ कि जब भी रोटी का आटा गूंदने वाली होती है ना, तो ये सोच रही होती है मैंने इसीलिए शादी हम जा रहे हैं ये वाला जो मोबाइल है इसको चेंज करने के लिए। सो एक्चुअली दिस इज माई सेकेंडरी मोबाइल, तो मैंने जो लास्ट ईयर अपना सेकेंडरी मोबाइल लिया था, लास्ट ईयर मैंने आई थिंक जनवरी में लिया था, हाँ जनवरी में लिया था मैंने। सो हुआ क्या था कि अभी जब मैं भोपाल गई थी, तो मेरी मम्मी का, ये मेरी मम्मी का मोबाइल है तो ये काफ़ी पुराना है, 3-4 साल पुराना है, और इसका टच काम करना बंद कर गया था। इससे सिर्फ आप बहुत मतलब बहुत देर में रिस्पॉन्ड करता है कुछ चीज़, आप फ़ोन तो आराम से उठा पिक कर सकते हो, रख सकते हो, बट प्रॉब्लम कर रहा था ये, तो हमको चेंज भी करना है। विक्की का भी जो मोबाइल है वो भी चल नहीं रहा है, तो वो तो अपने पता नहीं कौन से मोबाइल का वेट कर रहा है जो कि मार्च एंडिंग में लॉन्च होगा, बट उसको कुछ चीज़ें हैं जो वो बनाता है, जो भी वो डेवलप करता है, वो मोबाइल में टेस्टिंग वेस्टिंग करके देखता है जो भी है, तो उसको भी ज़रूरत है, नीड है, तो वो मुझे कह रहा है कि ये वन चेंज कर देते हैं ये वाला, तो अभी हम वही चेंज करने के लिए जा रहे हैं। सो यहीं पर पास में ही हमारे सोसाइटी में ही एक मोबाइल की शॉप है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग वहीं से लेंगे, ऑनलाइन तो नहीं ले रहे हैं, तो वही लेने के लिए जा रहे हैं। सो या लेट्स गो। इतनी सही हवा चल रही है यहाँ पर कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मतलब दिन में हवा इतनी अच्छी चल रही है। सो या लेट्स गो। ओके गाइज, सो आज का जो वीडियो है ना वो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरा मोबाइल आ गया, मैंने दिखाया कि नहीं दिखाया, आई थिंक आई डोंट नो, मोबाइल ले लिया है मैंने, एंड अभी वो सब सेटअप वेटअप जो करना होता है ना वो सब विक्की करने वाला है, बिकॉज उसको विक्की को एक्चुअली में थोड़ा ज़्यादा काम था, इसलिए वो ले लिया है। एंड बाहर का व्यू देखिए हमारा सस्ता सुंदर सिंगापुर, आई एम श्योर ये दिवाली पे बहुत सुंदर लगेगा, बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा उस टाइम पे। एंड यस, आज का जो वीडियो है वो यहीं ख़त्म करते हैं, और मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। टिल देन बाय।